रामचंद्र जी जिस तरह हम देख रहे जो दिल्ली में उपचुनाव चल रहे और आप रोनी सी की अगर हम बात करें उससे उम्मीदवार हो, क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि आम आदमी पार्टी से आप उम्मीदवार हो, मगर यहाँ पे जो आम आदमी पार्टी का विधायक है उसका कुछ विरोध भी नजर आया। देखिए, आम आदमी पार्टी का डेरी नहीं, पूरे दिल्ली के अंदर कोई भी किसी तरह से वोटरों का विरोध नहीं है। विरोध वही आदमी करते हैं जो भाजपा मैंडेट है। बाकी साधारण आदमी कोई विरोध नहीं कर रहा है। सर, जिस तरह आम आदमी पार्टी कह रही कि जो दिल्ली के एमसीडी की बात करें हम, कि एमसीडी नहीं चला पा रही और दिल्ली सरकार को एमसीडी दे देनी चाहिए, ये सीएम साहब सच्चाई कह रहे हैं, दिल्ली बोल रही है। आज दिल्ली के जो लोग यहाँ पर हैं, भाई बहन जो भी वोटर हैं, सबके दिल में यही बात है कि 15 साल हो गए भाजपा का शासन रहा एमसीडी में, मेयर उनका, सारे अधिकारी उनके, फिर भी दिल्ली के अंदर इतनी बदहाली, कूड़ा हो रहा है जिसकी उनको कोई चिंता नहीं है। आज दिल्ली के सभी लोग ठीक से समझ गए हैं कि भाजपा के लोग एमसीडी संभाल नहीं पाएंगे। क्यों? कहीं भी देखो आप, गंदगी का अंबार लगा हुआ है, न कूड़ा उठे, नालियां भरी पड़ी हुई, कीड़े रिंग रहे। एमसीडी का जो काम है वो एमसीडी कर नहीं पा रही है। सर, जिस तरह एमसीडी बार बार दिल्ली सरकार पे आरोप लगा रही कि हमारे सफाई कर्मचारियों की सैलरी के पैसे नहीं दे रहे, कितनी सच्चाई है आपके साथ? देखिए, ये तो 100% झूठ बोल रहे हैं। माननीय सीएम साहब ने अभी थोड़े दिन पहले 938 करोड़ रुपए दिए थे, तो क्या उनका ये नहीं था कि भाई उनकी पूरी सैलरी दें? नहीं दी, जब भी पूरी नहीं दी, एक आध महीने की दे के टरका रहे। यानी कि जो दिल्ली के सफाई कर्मचारी है उनको भड़काया जा रहा है, दिल्ली के दिल्ली सरकार के खिलाफ उनको भी भड़का रहे हैं और जनता को भी भड़का रहे हैं। लेकिन जनता और वो सफाई कर्मचारी समझ रहे हैं कि इसमें गलतियां किसकी हैं। आज के टाइम में हर किसी को पता चल जाता है कि भाई इसका कसूरवार कौन है, ये इसका गुनहगार कौन है, इसके लिए गलती किसकी है, कौन अनदेखी कर रहा है, कौन भ्रष्टाचारी है, जनता भी जान चुकी है। सर, रोनी सी से उम्मीदवार है और इसमें साबा डेरी आती है, अगर साबा डेरी के जो झुक्की वाला एरिया या उसके आसपास के एरिया की बात करें, वहाँ पे बड़ा बुरा हाल है, तो आप भी रोज घूम रहे पब्लिक के बीच में जा रहे, आपको क्या लग रहा है? देखिए, ये इसमें कुछ ब्लॉके हैं जहाँ पर सफाई ना होने के वजह से कूड़ा भरा है नालियों में, पानी निकल नहीं रहा उसके कारण, तो वो गलियों में कुछ गलियां ऐसी हैं जिसमें पानी की ये शिकायत है। उसके लिए हमारी पार्टी के हमारे वॉलेंटियर जो हैं यहाँ के, वो सारे लगे हुए हैं और उनको नालियां सफाई कर अपने हाथ से कर रहे हैं कि भाई यहाँ की जनता को इस तरह से कोई दिक्कत ना हो। सर, यहाँ पे आम आदमी के विधायक भी है, वही पहले निगम पार्षद थे जी, उसके बाजू भी ये हाल थे। वो हमारी पार्टी के निगम पार्षद नहीं थे, वो बसपा के निगम पार्षद थे। तो आपको पता है कि भाजपा का जब पूरा कब्जा है एमसीडी में, तो वो हमारे पार्षद साहब की बात सुनते नहीं थे। और अगर दिल्ली सरकार का पार्षद हो तो फिर भी मतलब सीएम साहब से फंड लेके काम कराता, लेकिन ये किसी और पार्टी के थे इसलिए ये पूरी तरह से काम नहीं करा पाए, इसलिए जनता शिकायत कर रही। रामचंद्र जी, जैसे अगर आपको जनता आशीर्वाद देती है आप आते हैं जीत के, तो सबसे पहले कार्य क्या होंगे सावर डेरी के या उसके अब क्षेत्र में? देखिए, सबसे पहले जो जो यहाँ पर समस्याएं हैं, उन समस्याओं के लिए रात दिन एक लगा के और बढ़िया से सुंदरीकरण करेंगे। जो गलियों में दिक्कत है वहाँ पर हम
माननीय सीएम साहब के पास रख के ये बात, और वहाँ से एस्टीमेट बनवा के उन गलियों को बनवाएंगे, नालियों को बनवाएंगे, क्योंकि जब हमें अथॉरिटी मिलेगी तो हम अपने बाग को, अपने इस नंगरी को, अपने इस क्षेत्र को बखूबी बढ़िया तरह से कर पाएंगे। क्यों कि मुझे 2.5 साल का विधायक बनने का भी मौका जनता ने दिया था, और 2.5 साल के अंदर आप इनकारी कर लो, पूरे विधानसभा के अंदर आपको एक ही बात मिलेगी, जिन विधायकों ने 15-15 साल हो गए जिनकी सरकार रही यहाँ पर इस बवाना विधानसभा के अंदर, उन्होंने वो काम नहीं करा जितना 2.5 साल के अंदर विकास कार्य हुआ है। सर आप 2.5 साल विधायक भी रहे, मगर फिर आपको में चुनाव लड़ने की क्या जरूरत पड़ी? मुझे इसलिए जरूरत पड़ी कि ये जो शाहबाद डेयरी है, यहाँ पे लाखों की संख्या में मेरे अपने लोग रह रहे हैं, गरीब लोग, और मैं भी गरीब परिवार से हूँ। उस परिवार से जब हम दिल्ली आए तो मैंने 7 रुपए की बेलदारी की थी, तो मुझे 1986 से लेके अब तक उनके बीच में हैं, तो जो मेरी माताएं हैं, बहनें हैं, भाई हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, मैं उनकी तकलीफ देखता हूं तो मेरा दिल रोता है, और मैं चाहता हूं कि भाई काम बढ़िया करना चाहिए। विधायक एमपी बन जाओ और काम कुछ ना हो पाए तो फायदा क्या? तो ये काम किसका है? एमसीडी का। तो जब हम एमसीडी के पार्षद बनेंगे तो हमारे को इसका पावर मिलेगा, और सारे सरकारी कर्मचारी मिलेंगे, अधिकारी मिलेंगे, हम अपने पूरी तरह से लग के और इसका सुंदरीकरण बढ़िया तरह से कराएंगे। इसलिए मेरी इच्छा है कि यहाँ के लोगों को, इस बार के लोगों को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। दिल्ली के लोगों को जब ही इन समस्याओं से निजात मिलेगा, जब अब तो ये उपचुनाव है 5 जगह का, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूँ पूरे दिल्ली को कि ये 5 के 5 आम आदमी पार्टी के ये सीटें झोली में दें, ताकि उनकी जो ये गद्दारी है, गद्दारी कहना चाहिए, जो 15 साल हो गए उनका शासन है, लेकिन उन्होंने 15 साल रहते हुए भी सफाई भी नहीं करा पाए, और तो बात की बात है। तो ऐसे जो है लोगों को बिल्कुल अलग करना चाहिए, और सीएम साहब का दिल्ली में जो वो दिल्ली सरकार में मुख्यमंत्री हैं, उनके विधायक हैं, आज देख लो कितने काम हो रहे, स्कूल देख लो आप, सभी पहलू पे हर काम किए हैं। लाइक शेयर एंड कमेंट, टू सब्सक्राइब दिस चैनल प्लीज प्रेस द बेल आइकन।